अक्टूबर को सारी दुनिया वर्ल्ड पोस्ट डे मनाती है। 9 अक्टूबर 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी और 9 अक्टूबर 1969 से इस तारीख को वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। इस साल के वर्ल्ड पोस्ट डे का थीम है पोस्ट फॉर प्लैनेट, यानी डाक सारी दुनिया को जोड़ती है, न सिर्फ जोड़ती है बल्कि सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में पोस्ट का बहुत ही योगदान रहा है और आगे भी न सिर्फ डेवलपमेंट बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी पोस्ट को हम कैसे आगे ले जाएंगे इसके लिए हम लोगों को सोचना है। इसी क्रम में हमारे देश में एक सप्ताह के लिए वर्ल्ड पोस्ट डे जो हर बार मनाया जाता है वो पोस्टल वीक मनाया जाता है, वो हम पोस्टल वीक मना रहे हैं। पोस्टल वीक की शुरुआत कल हुई और अलग अलग दिन जो है अलग अलग दिवस हम मनाते हैं। आज का दिन जो है वो वित्तीय साक्षरता दिवस है, यानी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट डे। 11 तारीख को फिलैटली दिवस, 12 तारीख को मेल एंड पार्सल दिवस और 13 तारीख को अंत्योदय दिवस। इसमें आप देखेंगे कि डाक की जो सर्विस है उसके साथ साथ हम जिस तरह से ये डाक सप्ताह मना रहे हैं उसमें जो हमारे समाज के विभिन्न तबके के लोग हैं उनको डाकघर किस तरह से उनकी डेवलपमेंट में उनके प्रोग्रेस में हेल्प करे ये मैसेज छुपा हुआ है। जैसे आज का दिन जो है वो वित्तीय सशक्तिकरण दिवस यानी कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट डे है। वित्तीय सशक्तिकरण डाकघर के द्वारा कैसे हो ये सवाल उठ सकता है, तो इसके बारे में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे ट्रेडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए जो पार्सल सेवा का भी जो हम प्रावधान करते हैं, उनके गांव में जाके उनके वर्कशॉप में जाके उनका माल हम उठा सकते हैं और उनको उनके कस्टमर के साथ जोड़ सकते हैं, तो कारोबार में लोगों की सहायता करना डाकघर का एक वित्तीय सशक्तिकरण का एक प्रयास है। उसके साथ साथ जो लोग छोटा मोटा कारोबार करते हैं, रोज बरोज गुजारा करते हैं, उनको हम किस तरह से हेल्प करें ये जो है हमारा वित्तीय सशक्तिकरण का एक और प्रयास है, जिसमें न सिर्फ ये जो हमने पार्सल की बात कही बल्कि जो